नगर निगम धर्मशाला के प्लास्टिक कचरे से फ्यूल तैयार हो सकता है। 5 टन प्लास्टिक कचरे से 2 टन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। ये सुझाव धर्मशाला नगर निगम की डंपिंग साइट में सुलगती आग की समस्या का निरीक्षण करने आए दिल्ली के बेस्ट मैनेजमेंट सलाहकार सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्यामला के मणि ने निगम अधिकारियों को दिया है। नगर निगम धर्मशाला के प्लास्टिक कचरे से अब फ्यूल तैयार किया जाएगा। 5 टन प्लास्टिक कचरे से 2 टन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। ये सुझाव धर्मशाला नगर निगम की डंपिंग साइट में सुगलती आग की समस्या के निरीक्षण करने आए दिल्ली की वेस्ट मैनेजमेंट सलाहकार सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्यामला के मणि ने नगर निगम अधिकारियों को दिए। यदि नगर निगम डॉक्टर श्यामला के सुझाव पर अमल करते हैं और इसे अपनाते हैं तो भविष्य में नगर निगम धर्मशाला के प्लास्टिक कचरे से फ्यूल तैयार किया जा सकता है। 5 टन प्लास्टिक कचरे से 2 टन फ्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें 8% पेट्रोल होगा, बाकी सभी डीजल होगा। प्लास्टिक से फ्यूल बनाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर यह काम किया जा सकता है। प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की यूनिट स्थापना में प्रारंभिक चरण में डीजल की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाद में ऐसे यूनिट गैस से भी शुरू किया जा सकता है। प्रथम चरण में जरूरी नहीं है कि बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत की जाए, बल्कि 1 टन के यूनिट से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। नगर निगम धर्मशाला के एक्सिन संजीव सैनी ने बताया कि कंसल्टेंट को जो भी डाटा चाहिए होगा उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के कचरे सहित अन्य जानकारियां संबंधित डाटा 1-2 दिन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें जी ऐसा है कि धर्मशाला में जो वेस्ट हमारे पास आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की जो स्वच्छ भारत मिशन के टीम लीडर हैं डॉक्टर श्यामला मणि, उनकी हमने सेवाएं ली क्योर सेंटर फॉर अर्बन एंड रीजनल एक्सेलेंस उनके माध्यम से। तो उन्होंने हमारा जो कचरा है उसकी सैम्पलिंग की कि किस टाइप का कचरा है और अलग अलग वार्डों में किस किस टाइप का कचरा हमारे पास आ रहा है, कितनी टनेज कितनी है, कितना कचरा आ रहा है। तो उन्होंने कुछ एक बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, जिसमें से एक सुझाव ये भी है कि जो प्लास्टिक का कचरा हमारे पास आ रहा है उसमें से हम फ्यूल ऑयल बनाएं। और जो उन्होंने बताया अभी प्रिलिमिनरी सर्वे करने के बाद जो उन्होंने बताया उसमें ये था कि लगभग 5 टन जो प्लास्टिक कचरा है उससे लगभग 2000 लीटर फ्यूल ऑयल निकल सकता है और निकाला जा भी रहा है। कुछ एक देश में विभिन्न शहरों में ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं और वो जो 2000 लीटर फ्यूल ऑयल निकलेगा उसमें 8% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली रफली 160 लीटर पेट्रोल होगा, बाकी वो डीजल होगा। इसमें जरूर इंटरवेंशंस चल रही हैं जी कि भाई वो जो डीजल होगा वो कितना मोटरेबल होगा, मोटर्स में लग सकता है, कितना और चीज़ों में यूज़ होगा। लेकिन ये बात उन्होंने बताई है कि प्लास्टिक कचरे से फ्यूल ऑयल निकाला जा सकता है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चले छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।